हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पाव भाजी बनाना सीखेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। भाई गर्म हो गया है, अभी इसमें हम लोग शिमला मिर्च, मटर बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, धनिया पत्ता, लहसुन अदरक का पेस्ट, ग्रीन चिली, टोमेटो फाइनली चॉप्ड किए हुए, पाव भाजी मसाला, कस्तूरी मेथी, रेड चिली पाउडर, बटर। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉल्ट, ये मैं नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं इसमें नहीं करूँगी। मैं इसको बर्तन में ट्रांसफ़र करके उसमें करूँगी। अगर आप नॉन स्टिक कर रहे हैं तो आप वही करें। इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर हम लोग कुक करेंगे, देख लेते हैं। ये कुक हो चुका है, अब इसको हम लोग मैश कर लेंगे अच्छे से। सब्जियों को मैंने मैश करके साइड कर लिया है। तो हम लोग बटर, कढ़ाई गर्म करेंगे, इसको छौंक लगाने हैं हमें। अब इसमें हम लोग अनियन, इसको हम लोग थोड़ी देर भुनेंगे, जब तक ये कलर इसका पिंक ना हो जाए अनियन का, तब तक इसे हम लोग भून लेंगे। लाइट पिंक कलर आ चुका है प्याज में। अब इसमें हम लोग मसाले, पाव भाजी, कश्मीरी रेड चिली और कस्तूरी मेथी, ये तीनों ऐड कर देंगे। हरी धनिया पत्ता, दो तीन सेकेंड, फिर इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो मसाले जल जाएंगे। और इसको थोड़ी देर भुने, कश्मीरी रेड चिली डालने पे इसका कलर बहुत बढ़िया आएगा। मसाला भुना गया है, अब इसमें हम लोग मैश किए हुए सब्जियां डाल देंगे। आप जितनी अच्छी से इसे मैश करोगे इसका टेस्ट उतना ही बढ़िया आएगा। इसको हमें और पतले करने हैं, इसीलिए हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे। थोड़ी देर बॉइल होने देंगे। भाजी तैयार है, अब हम लोग पाव सेक लेते हैं, इसको साइड रख लेते हैं। अब हम लोग तवा को गर्म होने देंगे। तवा गर्म है, अब इसके हम लोग बटर डाल देंगे, पाव भाजी मसाला,
इसके ऊपर हम लोग अपने पाव को रख देंगे। बढ़िया कलर आने देंगे इसके अंदर। इसी तरह सारे पाव सेक लेंगे हम लोग। पाव भाजी तैयार है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।